Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in ये video में, in this video I will continue your chapter 5. Students, इसके पहले वाली video में यहाँ तक complete हो चुका है, पर video cut हो गया है. Okay, so I have to start from here. Okay, यानी आधा होके फिर cut हो गया है. That's why I have to स्टार्ट फ्रॉम ईयर. ओके, इसलिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. यहाँ तक अपना हो चुका है. ओके, वो वीडियो भी आपको अलग से मिल गया जाएगा. ओके, और ये वाला यहाँ से दूसरा वीडियो भी स्टार्ट हो रहा है. ओके, अस्ते अस्ते मीन्स एक्चुअली अस्ते मीन्स संग्रज. वो अस्ते मीन्स एक्चुअली चोर तो नहीं बोल सकते, चोरी करना वो सो नहीं बोल, पर एक खराब जो हैबिट्स होती है उसको अस्ते बोल सकते हैं हम. ओके, थेफ्ट थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल. थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल. वी शुड नॉट टेक एनी बॉडीज थिंग विदाउट हिज हर परमिशंस. एंटरिंग एनी बॉडीज हाउस विदाउट परमिशन इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग. बाई सेइंग सो ही ट्राइड टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग. यानी चोरी करना, चोरी बिगेस्ट एविल मतलब सबसे बड़ा पाप है. ओके, दूषण है जिसको, चोरी. और वो ऐसा भी मानते थे कि हमें किसी की भी परमिशन के बिना उन्हीं की चीज़ जो होती है वो नहीं लेनी चाहिए. वी शुड नॉट टेक एनी बॉडीज थिंग. हमें किसी की भी चीज़ उनकी परमिशन के बिना नहीं लेनी चाहिए. इवन वो ऐसा भी मानते एंटरिंग एनी बॉडीज हाउस, किसी के घर भी हमें परमिशन के बिना एंटर नहीं होना है. वो भी इज ऑल्सो लाइक स्टीलिंग, वो भी एक प्रकार की चोरी है. किसी के घर में हम एंटर होते तो उसकी परमिशन लेके उनके घर जाना चाहिए, नहीं तो वो भी एक तरह की चोरी है. ओके, उनके कहने का मतलब है उन्होंने क्या रखा है कि ही ट्राइड टू कीप द सोसाइटी ऑफ दिस दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग. उस समय उन्होंने समाज को चोरी से, चोरी करने की जो हैबिट्स होती है उससे बहुत दूर रखा था. ओके, यानी वो ऐसा चाहते कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की भी चीज़ उनकी परमिशन से लेनी चाहिए. यानी इवन किसी के घर भी जाओ तो उसकी परमिशन से उनके घर में एंटर हो. ओके, नहीं तो वो भी एक प्रकार की, एक तरीके की चोरी है, ऐसा ही मानते थे. ओके, फोर नंबर का नॉन पजेसिवनेस. नॉन पजेसिवनेस, नॉन पजेसिवनेस मीन्स एक्चुअली यहाँ कैसा होता है पता है, कोई अपरिग्रह. परिग्रह में मोह माया, यानी संग्रह भी बोल सकते हो. ओके, ऐसा नहीं करना है. ओके, मैन शुड नॉट स्टोर, मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स पोजेशंस ऑर्नामेंट्स एयर और क्लोथिंग्स बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट. ओके, हम लोग क्या करते हैं यहाँ, ऐसा लिखा है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिस्से उससे ज़्यादा सामान, जो चीज़ें होती है गहने या कपड़े, वो नहीं स्टोर करने चाहिए. यानी वो ऐसा मानते थे कि जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए घर में, बाकी फालतू की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए. ओके, कीपिंग द थिंग्स, कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट reduced collection instinct in a person and things like grants reach up to the poor people. This was his important message. यानी वो कैसा चाहते, अगर किसी भी इंसान की उसके requirement के हिसाब से उनके पास चीज़ रखेंगे, जितनी requirement है पर requirement, ओके, जो person उतना वो रखेंगे तो क्या होगा कि पता है जो collection होगा वो रिड्यूस नहीं होगा. ओके, और जो पर्सन है, जो पर्सन वो अगर ज़रूरत के हिसाब से लेगा तो किसी, ये जो चीज़ होती है लाइक ग्रेन्स यानी अनाज, जैसे कि अनाज, वो जो गरीब लोग हैं ना उनके तक पहुंच सकते सके. इसीलिए कि बोले वो है, उनका कहने का मतलब था कि हमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना चाहिए. यानी हम लोग देख, जैसे कैसा होता है कि घर में जो होते गेहूँ चावल वो सब ऐसे भर के रखते हैं ना, तो उनका कहना कि वो सब नहीं करना चाहिए. उनका कहने का मतलब कि गोड्स ऑर्नामेंट्स वो सब है उनको स्टोर नहीं करना चाहिए.
रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाना चाहिए। और जो कलेक्शन होता है वो करते हैं तो फिर के पुअर पीपल जो होते हैं उनको उन तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो हमें उन तक पहुंचाना चाहिए। फाइनल ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मतलब कपड़े भी ऐसे, ही स्पेसिफिकली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नंस टू ऑब्जर्व सैली बसी, कैली बसी, ओके। उन्होंने स्पेशली टोल्ड, उन्होंने स्पेशली जैन जो साधु और साध्वी होते हैं, मॉन्क्स एंड नंस, मॉन्क्स में साधु और नंस में साध्वी जो होते हैं, उनको ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य वो उसको फॉलो करने का, ऑब्जर्व करने का बोला है, यानी उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ओके। ऐसा नाउ महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, महावीर स्वामी थे वो एक ग्रेट रिफॉर्मिस्ट थे, यानी एक ग्रेट महान सुधारक, महावीर स्वामी एक महान सुधारक, रिफॉर्मिस्ट मीन सुधारक। महावीर स्वामी ऑपोज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञस, ही सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स लाइक बुद्धा, ही टू प्रेयर्स इन पीपल्स लैंग्वेज प्राकृत एंड अर्ध मग्नी, अर्ध मग्धि विथ हीज सिंपल एंड इजी टीचिंग्स ही चेंज पीपल्स लाइफ, ओके लाइफ। महावीर स्वामी जो थे वो जो रिचुअल्स होते, मतलब रीति रिवाज होते उनके ना, सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस मीन बलिदान, उसके विरोधी थे, सेक्रीफाइस मीन मतलब बलिदान के विरोधी थे महावीर स्वामी जो थे, ओके। और उन्होंने भगवान है उसको भी रिजेक्ट कर दिया था, वो भी नहीं मानते थे कि भगवान है, ओके। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन यज्ञ, और वो ऐसा चाहते थे जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ होते उसमें एनिमल्स के जो बलि देते हैं ना, एनिमल्स के बलिदान बलि, उसके भी निंदा करते, कंडेम्ड करते थे, मतलब निंदा करते थे, यानी दोषी दोष मानते, दोष कि एनिमल्स को नहीं करना चाहिए अग्नि में, ओके। और वो कहते थे कि वुमन को भी एक इक्वल मतलब समान पुरुष के इक्वल राइट्स जो हक है वो देना चाहिए, बुद्धा के जैसे ही, वो भी मानते थे कि वो भी उन्होंने भी बुद्धा के जैसे ही उन्होंने भी क्या उपदेश जो होते थे वो पीपल्स की लैंग्वेज में ही दिए थे, प्राकृत एंड अर्धमग्धी, ओके, वो लैंग्वेज में उन्होंने उपदेश दिए थे। और उनके जो सिंपल जो सिंपल और इजी बोलते ना, एकदम सरल तरीके से उन्होंने जो उपदेश दिया है उसकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो गई, ओके। निर्वाणा, ही डाइड इन पावापुरी, ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72, और 30 साल की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया, 30 साल की, 30 ईयर्स की एज में, ओके। अब 72 ईयर्स की एज में उन्होंने पावापुरी में वो डाइड हो गए, मतलब मर गए, तो 42 ईयर्स समझो उन्होंने पूरी, यानी 42 लाइफ ईयर्स यानी समझो पूरी लाइफ ही ऐसा उन्होंने इस तरीके से स्पेंड की, ओके। नाउ इन दिस वे अबाउट 2500 ईयर्स अगो पीपल गॉट न्यू आइडियाज, रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिफाइलमेंट वर रिमूव्ड, पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स इन अ लार्ज नंबर, बोथ प्रीचर्स ऑब्लिग्ड पीपल टू एडोप्ट द पथ ऑफ पीस एंड वर्च्यू, थस दे प्रमोटेड द वर्च्यू इन द सोसाइटी। इस तरीके से, इन दिस वे मतलब इस तरीके से लगभग 2500 साल पहले पीपल को एक नया आइडिया मिला था, नया नई सोच मिली थी, ओके। यानी इस तरीके से 2500 साल पहले लोगों को एक नई सोच मिली थी,
और धार्मिक जो रीति रिवाज रिलीजियस रिचुअल्स है ना, मतलब धार्मिक जो रीत होती है, रीत रिवाज और होते वो डिफाइलमेंट, अपवित्र करना, संकुचित और डिफाइलमेंट मीन्स अपवित्र करना, किसी को अपवित्र करना, वो उसको रिमूव कर दिया, ओके यानी उसको रिमूव कर दिया। और पीपल भी जो जैन धर्म है ना उसको फॉलो करने वाले लोग भी बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ओके। और दोनों प्रीचर्स मीन्स बुद्धा एंड महावीर, और बोथ प्रीचर्स मीन्स बुद्धा एंड महावीर, ओके, दोनों ऑब्लिक पीपल टू एडॉप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्चू। दोनों उपदेशक जो थे वो ऑब्लिक मतलब लोगों के आभारी थे, लोग उनके आभारी थे कि उनके जो उनकी जो राह है पीस और शांति और की जो राह है उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो आभारी थे, ओके। इसी तरह से वो लोग सोसाइटी में प्रमोट होते गए, ओके, प्रमोट मतलब सोसाइटी बढ़ती गई, ओके, धीरे धीरे के बूथ लोग धर्म को मानने वाले लोग बढ़ते गए, महावीर यानी स्वामी को मानने वाले लोग बढ़ते, उनकी जो सोसाइटी है वो बढ़ती गई, ओके। ऐसा सो स्टूडेंट्स आपका यहाँ चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो रहा है, ओके, चैप्टर 5 कंप्लीट आज हो रहा है। अब एक्सरसाइज जो है, ओके, एक्सरसाइज आपको नोट को लिखना है, हार्ड वर्क के बाद ही आपको एक्सरसाइज लिखना है, ओके। आपको कल वर्कबुक का भी मिल जाएगी, इसके साथ साथ ये वीडियो के साथ साथ, ओके, वर्कबुक के चैप्टर 5 जो है वो भी आपको मिल जाएगा, ओके। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 5 जो है उसका रीडिंग जो है मैं वर्कबुक के फ़ोटो सेंड कर दूंगी, ओके, वर्कबुक के चैप्टर 5, वर्कबुक में चैप्टर 5 जो है वो फ़ोटो सेंड कर दूंगी। सो आप रीडिंग स्टार्ट करना चैप्टर 5, ओके, एंड चैप्टर 5 और 6 आपके एग्जाम में अभी आएगा, अभी जो भी एग्जाम आएगी उसमें चैप्टर 5 और 6 आएगा, यानी आपको 5 नंबर का चैप्टर आपको करना है, ओके। सो बाय।